गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे थे, जो कि डिटरमिनेंट अर्थात सारणी को लेकर है। उसमें अपने सारणी का पर्चा वैसे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन अभी अपन एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ माइनस एंड को फैक्टर, अर्थात अपन ने कल दो फैक्टर पढ़े थे, उपसारणी और सहखंड। एक तो अपन ने पढ़ा था उपसारणी और दूसरा पढ़ा था सहखंड। तो मैं किसी भी सारणी का प्रसार उपसारणी और सहखंड के रूप में किस प्रकार कर सकता हूं, उसको लेकर आज अपन बात करेंगे। तो देखिए, एक डिटरमिनेंट अपन कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास में एक थर्ड ऑर्डर की कोई डिटरमिनेंट है, जिसके एलिमेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23। ये हो गया आपके पास में a31, a32 और a33। ठीक है, ये नामकरण किस प्रकार करते हैं, क्योंकि पहला अवयव है वो पंक्तियों की संख्या को और दूसरा स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। तो ये अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का मतलब i और j का मान 1, ये अवयव दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मतलब 2, ये अवयव तीसरी पंक्ति मतलब पंक्ति की संख्या 3 और दूसरे स्तंभ मतलब स्तंभ की संख्या 2 है। एक थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। अब ध्यान बात खोल के सुनो कि इसमें तीन बातें ध्यान रखनी है कि यदि मैं इस सारणी का प्रसार किसी भी पंक्ति, ठीक है, तीनों पंक्तियों में से या फिर किसी भी कॉलम के अनुसार करूं, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात मैं फर्स्ट कॉलम के अनुसार या फिर सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम या फिर फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति किसी के अनुसार भी इसका प्रसार करूंगा, तो सब के लिए जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अर्थात अपन इस सारणी का प्रसार किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है, सबके लिए वैल्यू एक ही आएगी। दूसरी बात कि इस सारणी के लिए ये जो अपन सारणी का प्रसार का नियम लगा रहे हैं वो कितने ही ऑर्डर के लिए लागू हो सकती है। ये अपन 3x3 के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन यदि 4x4 आ जाए, 5x5 आ जाए, तो ये नियम किसी भी क्रम की सारणी के लिए लागू होगा। ठीक बात। थर्ड बात अपन बात करेंगे कि इस सारणी का प्रसार करते समय यदि अपन को वैल्यू शीघ्र प्राप्त करनी है तो उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार इसका प्रसार करो जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम शून्य हो। जैसे मान लीजिए ये कोई डिटरमिनेंट है 1 2 0 3 1 4 0 0 1, तो एक है। इसमें मैं तीसरी पंक्ति की बात करूं तो इसमें 2 शून्य है, तो इस यदि मैं थर्ड पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करूंगा तो मुझे सिर्फ इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 सिर्फ और सिर्फ इसके अनुसार ही करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, जब भी मैट्रिक्स में आपके पास में आपको शून्य दिखाई दे या 0 दिखाई दे तो उसी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार उसका प्रसार करें, ताकि अपन को वैल्यू है वो शीघ्रता से प्राप्त हो। क्योंकि मैं इस पंक्ति के अनुसार करूंगा तो मुझे तीनों के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो चाहे इस पंक्ति के अनुसार करो, इसके अनुसार करो या इसके, सेम ही मिलनी है अपन को, तो उसके अनुसार करना जिसमें अधिकतम शून्य हो। ठीक बात। अब मैं क्या करता हूं, इसका प्रसार करता हूं। देखिए, पहली पंक्ति के अनुसार कर रहा हूं, प्रथम पंक्ति के अनुसार, तो ये वैल्यू हो गई a11। फिर अपन प्रसार में क्या नियम लगाते थे कि पहले तो एकांतर क्रम में धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगाना, पहला प्लस आएगा, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, ये मैं पीछे बता चुका हूं। और इसके साथ में कौन सी डिटरमिनेंट आएगी, इस एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में उसको हाइड करने पर जो डिटरमिनेंट बचती है अर्थात ये बसेगी, तो ये एलिमेंट क्या आएगा, a22, a23, a32 और a33। ठीक है,
सेकंड 20 में आपके पास में नेगेटिव आएगा A12, इसके साथ में डिटरमिनेंट स्कोर इसको हटा दो, ये रहेगा A21, A23 और आपके पास में A31 और A33 और प्लस A13 के साथ में इस एलिमेंट के साथ में स्कोर इसको हटा दो तो क्या बचेगा A21, A22, A31 और A32। ये बात याद है। अब यहां तक तो अपन उसमें भी करते थे, उसमें फिर क्या करते थे, ये 2/2 की डिटरमिनेंट आ गई तो इसका इसके साथ में गुणा माइनस इसका इसके साथ में, तो अपने पास में इसका मान आ जाता था। लेकिन यहां अपन को क्या करना है, इसी का मान मुझे उपसारणी और सहखंड के रूप में लिखना है। अब बात सुनो, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट से संबंधित अपन उपसारणी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, A11, और इसकी उपसारणी क्या होती थी, मैंने कहा था ये एलिमेंट जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में स्थित है उसको हटा लेते हैं, इसको हटाने पर कौन सी डिटरमिनेंट बचेगी, ये, तो यही आपके पास में इसकी उपसारणी होती थी। लेकिन ध्यान देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, तो ये हो गया A11 × A11। ध्यान रहे ये उपसारणी को रिप्रेजेंट कर रहा है अवयव A11 की, ठीक बात, माइनस A12, और यदि मैं इसकी उपसारणी निकालूं तो इसको और इसको हटाऊंगा तो क्या ये आए तो सेम है, तो ये हो गया A12 प्लस A13 और ये हो गया A13, तो ये हो गया सारणी का प्रसार इन टर्म्स ऑफ उपसारणी। ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं उपसारणी एंड सहखंड के रूप में, ठीक बात, ये तो उपसारणी के रूप में आ गया। अब मैं इसी को क्या करता हूं, को फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करता हूं, तो को फैक्टर में अपने क्या पढ़ा था कि जो एफ आई जे होता है वो -1 की पावर i + j और ए आई जे होता है, ठीक बात, जहां पर ये उपसारणी है ये को फैक्टर है। तो देखिए मैं i और j का मान 1-1 पुट करता हूं अर्थात F11, तो क्या होगा -1 की पावर 1+1 × A11 अर्थात A11 ही आया है। इसी प्रकार मैं F12 निकालूं तो -1 की पावर 1+2 × A12, तो देखिए ये -1 की पावर 1+2 क्या होगा 3, तो माइनस रहेगा तो यह आ गया -A12। और इसी प्रकार मैं F13 का निकालूंगा तो -1 की पावर 1+3 और A13, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में A13, क्योंकि इसकी पावर 4 आ गई जो कि इवन हो गई, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं A11 की जगह F11 लिख सकता हूं, तो ये आपके पास में हो गया A11, ठीक बात, × F11, इसको मैं समीकरण दे देता हूं A, और फिर A12 का मान -F12 के बराबर, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस A12 F12 प्लस A13 और F13, ठीक बात। अब मैंने ये प्रथम पंक्ति के अनुसार किया है, आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार कर सकते हो। तो देखिए यदि मैं इसी डिटरमिनेंट का यहां पर किसके अकॉर्डिंग करूं, इस स्तंभ के अकॉर्डिंग करूं, तो वापस आपके पास में ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इसके अनुसार करूंगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए -A12 A12 प्लस इस सेकेंड कॉलम के अनुसार कर रहा हूं तो क्या आएगा, ये प्लस A22 और ये हो गया A22 और माइनस का A23 और ये आ गया A23, ठीक है। ध्यान रहे ये यहां पर आपके पास में चैप्टर क्लोज हो गया है। अब मैं कर रहा हूं द्वितीय स्तंभ के अनुसार, ठीक है, तो द्वितीय स्तंभ है 1 2 2 2 3 2, मैंने बताया था इसका साइन पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये
सॉरी यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये आपके पास में नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि अल्टरनेट होता है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, ठीक है। लेकिन अब ए वन टू का मान क्या है, माइनस एफ वन टू है, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में ए वन टू एफ वन टू और ए टू टू। अब देखिए ए टू टू का मान एफ टू टू के बराबर ही आएगा, कैसे आएगा देखिए, एफ टू टू तो एफ टू टू क्या होता है, माइनस वन की पावर टू प्लस टू इंटू ए टू टू, तो ये हो गया पॉजिटिव। और टू थ्री की बात करेंगे तो ये f ऑफ टू थ्री होगा आपके पास है माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री इंटू ए टू थ्री, तो ये हो गया माइनस, और ये माइनस और माइनस ये हो गया पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी ए टू थ्री इंटू एफ टू थ्री, ठीक बात। तो ये आपके पास में आ गया, ये मैंने प्रथम पंक्ति के अनुदिश किया है, मैं लिख लेता हूं यहां प्रथम पंक्ति, और ये मैंने किया है द्वितीय स्तंभ के अनुसार, ठीक है, या इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास में रह गया किसी भी सारणी का पसार, ये आपके पास में उप सारणी के रूप में, ये को फैक्टर के रूप में। अब ध्यान दो, को फैक्टर के रूप में निकाल, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और इसमें भी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी सारणी का मान उसके किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में स्थित समस्त अवयव, क्योंकि मैं इस स्तंभ की बात कर रहा हूं, ए वन टू भी आया, ए टू टू भी आया, ए टू थ्री, मतलब समस्त अवयव आ गया। प्रथम पंक्ति की बात करें तो तीनों अवयव आ गए, तो समस्त अवयव को उनके संगत सेकंड अर्थात को फैक्टर से गुणा करके योग करने पर प्राप्त होता है। पहले तो उनके अवयव को फैक्टर से गुणा करो और फिर उन सब का क्या कर दो, योग, तो हमेशा उसी सारणी का मान प्राप्त होगा जो कि अपन पहले मेथड से निकालते थे, ठीक बात। अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको ये निकालना है कि को फैक्टर और उपसारणी, वैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, फिर भी एक क्वेश्चन और अपन लेके चलते हैं। अब देखिए एक डिटरमिनेंट कुछ इस प्रकार है, ठीक बात, ये टू है, ये फोर है, ये माइनस वन है और ये थ्री है। मैं कह रहा हूं कि प्रथम पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक वह सेकंड ज्ञात करो, ठीक बात, तथा सारणी का मान भी ज्ञात करो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ के अनुसार यदि अपन बात करें तो प्रथम पंक्ति कौन सी है, ये है, अर्थात अपन को टू और फोर का निकालना है, ठीक है। तो यहां पर मैं देखिए ए वन में लिखता हूं जो कि प्रथम एलिमेंट का उपसारणिक है, मैंने पहले ही बता रखा है ए आई से उपसारणिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या आएगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा तो आएगा आपके पास में थ्री बराबर थ्री। ए वन टू निकालता हूं तो क्या आएगा, ए वन टू मतलब ये एलिमेंट, इसको हटा दो और इसको हटा दो तो माइनस का वन और माइनस वन एक ही एलिमेंट है तो इसका माइनस वन सारणी का मान आएगा। अब मैं बात करूं सेकंड की तो सेकंड क्या आएगा, एफ वन वन, एफ वन वन क्या होता है, माइनस वन की पावर वन प्लस वन इंटू ए वन वन, तो देखिए ये पॉजिटिव हो गया तो ये थ्री आएगा। और अब बात करें एफ वन टू की तो ये माइनस वन की पावर वन प्लस टू इंटू ए वन टू, तो ये आ गया आपके पास में माइनस का और ये माइनस का, तो ये हो गया आपके पास में पॉजिटिव का वन। अब मुझे निकालना है सारणी का मान, एक तरीका तो ये है कि इसका इसके साथ गुणा करो और माइनस इसका इसके साथ सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन उप सारणी के रूप में अपन कैसे निकालते हैं, अभी अपन ने देखा था डेल्टा बराबर
a12 f a11 f11 plus a12 f12 plus a13 और f13, ये 3 by 3 का था और यहां पर आपके पास में कितने का है, 2 by 2 का है। ठीक बात। तो देखिए यहां पर आपके पास में यदि अपन सीधे तौर पर सारणी का मान निकालने जाएं तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहां पर आपके पास में डेल्टा का मान 2 into 3 माइनस का और माइनस का आपके पास में 4, तो ये हो गया माइनस का 4, तो 2 3 6 प्लस ये आपके पास में आ गया 10। ठीक बात। अब मेरी बात सुनो, इसमें अपने पास में दो एलिमेंट है तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं a11 f11 plus a12 f12। ठीक बात। a11 क्या है 2, f11 क्या है 3, तो ये हो गया देखिए 3 प्लस का और a12 क्या है आपके पास में 4, तो ये हो गया आपके पास में 4 और f12 1, तो ये हो गया 1, तो कितना हो गया 6 plus 4 = 10। तो देखिए आप सीधा भी निकाल सकते हो और अभी अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया है उपसारणी को सरखंड के रूप में उसका यूज करते हुए भी निकाल सकते हैं। ये 3 by 3 का था और ये अपन 2 by 2 की बात करें ये एलिमेंट आएगा नहीं, और यदि 4 by 4 का है तो साथ में ये एलिमेंट भी आ जाएगा a14 और f14। तो जितने डिग्री का होगा ऑर्डर का उतना ये फॉर्मूला एक्सटेंशन होता जाएगा। ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए सारणी का मान सीधे निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सहखंड पता होना जरूरी है और या फिर उपसारणिक निकालो। तो इसी फॉर्मूले को अपन उपसारणिक में कैसे लिखेंगे, उपसारणिक में ऐसे लिखेंगे a11 f11 minus a12 उपसारणिक के रूप में लिख रहे हैं, यहां आएगा a और यहां आएगा a12। तो अब देखिए a11 की वैल्यू क्या है 2 into 3 माइनस a12 की वैल्यू 4 और a12 की वैल्यू आपके पास में a12 की वैल्यू -1, तो ये हो गया -1, तो ये भी आपके पास में 10 ही आएगा। तो साओ तो आप उपसारणिक वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, सेकंड वाला लगा सकते हो या सीधे तौर पर भी इसका प्रसार कर सकते हो जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है। ये तो बात हुई सारणी के प्रसार को लेके। अब अपन बात करेंगे कि सारणी और आव्यूह, अपन दो चीज पढ़ के आए, पहले अपन ने आव्यूह डिस्कस किया उसके बाद में अभी अपन पढ़ रहे हैं सारणी, इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको लेके अभी अपन बात करेंगे। देखिए अपन बात करते हैं दोनों में अंतर, इधर आपके पास में हो गया आव्यूह और इधर हो गया आपके पास में सारणी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आव्यूह मैंने कहा था कि अवयव के पंक्ति या स्तंभ में प्रदर्शन होता है, या तो स्तंभ आपके पास में वर्गाकार हो सकता है या आयताकार। तो पहला टर्म यह है कि जो आव्यूह है वह आव्यूह संख्याओं का सुव्यवस्थित रूप है, तथा इनका संख्यात्मक मान नहीं होता है। देखिए मैंने आपको ये मैट्रिक्स बताई थी जैसे 2 by 3 की है या 3 by 3 की है, इसको अपन सॉल्व करके इसका संख्यात्मक या न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसका स्क्वायर कर सकते थे, क्यूब कर सकते थे, इसका आपके पास में एडिशन कर सकते थे, लेकिन इसका संख्यात्मक मान प्राप्त नहीं होता था। लेकिन इस सारणी के अंतर्गत सारणी का एक निश्चित मान होता है जिसको अपन कह सकते हैं निश्चित या संख्यात्मक मान होता है। कैसे कि जैसे अपन इसी सारणी को लेके बात करें तो ये 2, 3, 9 और 4 आएगा,
इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 4 − 9 × 3, तो ये आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, संख्यात्मक मान आ जाएगा। तो पहला अंतर ये है कि आव्यूह होता है उसका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या उसका मान निकालना संभव नहीं होता है, लेकिन सारणी का अपन मान निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आव्यूह किसी भी क्रम के हो सकते हैं, आव्यूह किसी भी क्रम के हो सकते हैं, अर्थात आव्यूह में आपके पास में पंक्ति या स्तंभ की संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है। आव्यूह आपके पास में देखिए 1/1 का हो सकता है, 1/4 का हो सकता है, 2/3 का हो सकता है या 2/2 का हो सकता है, लेकिन सारणिक में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। ठीक बात, क्योंकि अभी अपन ने डिटरमिनेंट पढ़ा था, या तो कहा था कि 2/2 की होगी, या अपने कहा था यह 3/3 की होगी, या फिर आपने कहा था कि यह 1/1 की होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2/3 की या 3/2 की, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा अंतर यह था आपके पास में। तीसरा अंतर यह है कि आव्यूह में अपने कहा था कि यदि पंक्तियों को मैं स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल देता हूं तो एक नया आव्यूह प्राप्त होता है, जिसे अपन कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक बात, तो यहां पर देखिए थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि जो ए मैट्रिक होती है उसका यदि अपन ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आपके पास में प्रत्येक केस में इक्वल नहीं होता है, ओनली फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंतर्गत होता है। ठीक बात, तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पंक्तियों को स्तंभ में, पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदलने पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। जिसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह कहते हैं? परिवर्त या ट्रांसपोज। लेकिन सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ में, अर्थात आपके पास में रो को कॉलम एंड कॉलम को मैं रो में यदि कन्वर्ट करता हूं तो आपके पास में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो आपके पास में क्या कह सकते हैं, नो चेंज। ठीक है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के हमेशा बराबर आता है, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस प्रॉपर्टी को मैं जब प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा तब प्रूव भी करूंगा कि ऐसा वास्तव में होता है। तो ये थे आपके पास में आव्यूह और सारणिक में डिफरेंसेस या अंतर।